अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज की हमारी वीडियो है कि अगर आप होम डेकोरेशन के लिए या फिर अपने ड्राइंग रूम की डेकोरेशन के लिए हैंडमेडेड फ्रेम्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, या फिर उसका आइडिया किस तरह हो सकता है, कैसे आइडिया लेंगे, तो आज मैं आपके लिए एक यूनिक सा आइडिया लेके आई हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को दबा लीजिए और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये फ्रेम्स मैंने अपने हाथों से बनाई हैं और ये बहुत ही आसान है बनाने में, इतनी मुश्किल नहीं है। आप इनको इजीली बना सकते हैं घर में और उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो आपको आसानी से बाज़ार में अवेलेबल हैं। आप मार्केट से इनको जाकर बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हैं और अपने घर में बैठ कर बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन इस तरह के बना सकते हैं अपनी होम डेकोरेशन के लिए। और आप इसको वॉल पेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो किसी को गिफ्ट करने के लिए इस तरह की फ्रेम्स बना सकते हैं। मैंने तो ह्यूज साइज़ में बनाई, बड़ा साइज़ है फ्रेम का। आप चाहें तो छोटे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पहली फ्रेम की तरफ आते हैं। ये फ्रेम जो है, ये कपड़ा मैंने नीचे यूज़ किया हुआ है, उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये मोती का काम है ये सारा। तो आप इसे अपनी मर्ज़ी के जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, किसी और तरह के डिज़ाइन के अगर आप चाहते हैं, किसी और कलर के चाहते हैं, कट वर्क के जो मिलते हैं मोती, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे सिल्वर में ये पसंद है तो मैंने इस पर काम किया। और ये जो इसके अंदर आपको कलरफुल सा नज़र आ रहा है, ये मैंने सिंपल कॉपी का एक कवर लेके उसको बैक साइड से इसके ऊपर मैंने सुई के साथ बना के पहले तो फिर इसके ऊपर मोती का काम किया। आप चाहें तो इसकी जगह भी चेपी बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही जो गलों में और पाइंचे वगैरह में यूज़ की जाती है। और इसकी टोटली लुक इस तरह है। और जब कपड़े पे आप बना लेंगे तो शॉप्स होती हैं जहाँ पर आप इनको फ्रेम करवा सकते हैं। और ये जो हमारे पास दूसरी फ्रेम है तो ये भी उसी सेम डिज़ाइन में है, सिर्फ इतना इसमें मुख्तलिफ है कि इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, बाकी ये बिल्कुल एक तरह की है। ये हमारे पास तीसरी फ्रेम है और ये बिल्कुल बनाने में इजी है। ये आपको किसी आर वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल जो आयरन से प्रेस करके लगाए जाते हैं वो नग हैं, और इसके अंदर जो साइडों पर ये बड़ा सा जो हार्ट के अंदर लगा हुआ है डिज़ाइन वाइट सा ब्लैक, और छोटे हार्ट्स के अंदर तो ये चेपी बुकरम है, उसके ऊपर सिंपल मार्कर से बनाया गया है और दरमियान में छोटे नग हैं, ये सुई से लगाए गए हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने इसका डिज़ाइन बनाना है कपड़े के ऊपर, फिर उसके ऊपर आयरन के साथ ये सारा काम और चेपी बुकरम के साथ बन जाएगा। अगर तो आप समझ रहे हैं कि वो फ्रेम का काम इस तरह होगा तो नहीं, वो ऐसे नहीं बनेगा बल्कि इस तरह बनेगा। इस तरह लकड़ी के जो होगा फ्रेम, उसके ऊपर कपड़े को फिक्स करके ऐसे आर मोती और धागे के साथ ये काम बनेगा। और अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो इस तरह का होल टाइप का सर्कल लेकर उसके ऊपर कपड़े को फिक्स करके भी आर के साथ बना सकता है। तो फ्रेम का रिव्यू मैंने आपको करवा दिया, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप भी इस तरह की डिज़ाइन घर में आसानी से बना सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।